जितना हमें इंडिया में ग्रीटिंग मिलती है उससे बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा सम्मान से यहाँ पर ग्रीटिंग किया दिया गया है। तो पाकिस्तान आके तो मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो बॉर्डर्स हमने बना रखे हैं या जिसकी वजह से हम एक दूसरे से मिलने नहीं देते लोगों को, वो उन चीज़ों को हटा दें और ऐसी चीज़ों को और प्रमोट करें और ज़्यादा एक्सेस दें ताकि हम लोग एक दूसरे से मिल पाए और इस प्यार को बढ़ा पाए। और इस जो प्रेमिसिस है इससे बाहर भी जाने दिया जाए? बिल्कुल, शहरों में मेरा बहुत मन है इस टाइम पे प्रेमिसिस से बाहर जाने का, लेकिन अलाउ नहीं कर सकते। चले आस्ता आस्ता वो भी वक़्त के साथ हो जाएगा जी। तो और आपको आने से पहले क्या डाउट था कि उधर पाकिस्तान में कोई? एक्चुअली एक सबसे बड़ा जो डाउट था, जो हर किसी हर इंडियन के मन में है कि आपके पासपोर्ट पे एक स्टैम्प लग जाता है पाकिस्तान का, जो उतना अच्छा नहीं माना जाता है अगर आपको बाहर कहीं जाना है, तो वो एक डाउट था। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो कोई स्टैम्पिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो बिना मतलब का ये एक डाउट लोगों के मन में है उसको हटाएं, यहाँ पर आएँ, ज़रूर लोगों से मिलें। सरकार को भी समझ में आएगा जब लोग मिलेंगे कि कैसे इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और इंडिया पाकिस्तान को एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। सही, इससे तरक्की भी होगी बिल्कुल, और अगर ओपन मार्केट बन जाती है तो ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी कंट्री के लिए टूरिज्म सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको प्रमोट करने का। सही हो गया। और आप दिल्ली से किस जगह से? दिल्ली से, एक्चुअली दिल्ली के पास फरीदाबाद जगह है, NCR रीजन जी। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और मेरा चैनल है न्यूज़ जो दिल्ली में है जी। सही हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।